हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। तो FIIs का डेटा को डिस्कस कर लेते हैं फॉर 16th अक्टूबर 2024। क्या निफ्टी 25400 जा सकता है, नहीं जा सकता? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद FIIs डेटा। FIIs डेटा की बात करें तो देखो, कैश मार्केट में आज भी इन्होंने सेलिंग की, बट ये सेलिंग डे बाई डे कम होती जा रही है ना। पहले की 10,000 के करीब थी, फिर 8,000, 6,000, 7,000, 4,000 एंड अब 1,700 के करीब है ना। तो सेलिंग काफ़ी कम होती जा रही है। DIIs 1600 करोड़ की बाइंग है इनकी। इंडेक्स फ्यूचर की बात करूँ तो 411 करोड़ की यहाँ पर भी सेलिंग है थोड़ा सा, एंड स्टॉक फ्यूचर में भी थोड़ी सी सेलिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इंडेक्स ऑप्शन में 36,000 करोड़ की ऑप्शन बाइंग है, ठीक है? तो बाइंग है, एंड फिन निफ्टी जिसकी आज एक्सपायरी थी उसमें मेजर बाइंग है। तो कल बस आपको इतना सा करना है कि जो भी पोजिशन बना है वो बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इनमें जो भी पोजीशन बनाएंगे वो नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी के लिए बनाएंगे, है ना। यानी सेम एक्सपायरी में नहीं, नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी के लिए बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इतनी बाइंग है, हो सकता है कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कोशिश करेंगे साइडवे करने की। एंड बट पूरे वीक में मूवमेंट ज़रूर कराएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी ऑप्शन बाइंग ये करके गए फॉर अ वीकली, यानी फिन निफ्टी की एक्सपायरी, ठीक है। सो यहाँ पॉसिबिलिटीज़ बस ये हैं कि हमें नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करना है, ठीक है। डेटा की बात करें, विक्स ऑलमोस्ट वहीं है, डाउन भी नहीं हुआ, अप भी नहीं हुआ। निफ्टी, सेंसेक्स सब साइड वे थे, आज पूरा मार्केट ही साइड वे था। निफ्टी 50 के लेवल्स देख लेते हैं। 25,186 या 200 का लेवल टूटता है तो आपको 450 तक की जर्नी स्टार्ट होगी, एंड जब 450 का लेवल टूटेगा तो 25,800 तक, ठीक है। ये जर्नी है जो स्टार्ट होनी है, अब कल होगी, वीक में होगी, इस जर्नी को आपको कैप्चर करना है, ठीक है। एंड इसमें क्या है, 25,000 आपका SLB रहेगा, और अगर 25,000 टूटता है तो फिर 24,800 एंड 24,580 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे इन बियरिश डायरेक्शन। जब तक ये 25,000 होल्ड कर रखा है, वेल एंड गुड, बट जिस टाइम पे ये होल्डिंग ख़त्म हो जाए उस टाइम पे आपको समझ के चलना है। देखो, लेवल में ये भी है कि ब्रेकआउट हो जाए 15 मिनट की कैंडल में, वापस नेक्स्ट कैंडल अंदर आ जाए, तो फिर आपको अपोजिट डायरेक्शन की ट्रेड लेना है। और सिमिलर वे में ब्रेकडाउन के केस में भी यही है कि ब्रेकडाउन दे 15 मिनट की कैंडल और नेक्स्ट कैंडल ऊपर आ जाए, तो ये केवल फेक ब्रेकआउट है, ठीक है। ये चीज़ें आइडेंटिफाई करना है, स्टार्ट करो अभी। यहाँ पर अगर आप चाहो तो एक ट्रेंड लाइन ड्रो कर सकते हो, इसका सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है तो अच्छी चीज़ है ना। जब तक ऊपर जाए ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके, तो ट्रेंड लाइन आपका SL लेके चलना है हमें। बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में जो ट्रेंड लाइन है एग्जैक्टली वहीं आया है। देखिए, ये काफ़ी पुरानी ट्रेंड लाइन है, वहीं आया है, वहीं रेजिस्टेंस फेस किया और वहीं पर इसने क्लोजिंग दी। तो अगर 52,020 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपको 52,340 तक के लेवल, एंड देन अगर ये ब्रेक होता है तो 52,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं इन बैंक निफ्टी। 51,670 का लेवल नीचे ब्रेक होता है तो 51,350 एंड 50,900 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं इन बैंक निफ्टी, ठीक है। तो लेवल का क्लियर रखना है कि यार ये लेवल टूटेगा तो नेक्स्ट लेवल की हमें सोचना है, और अगर नेक्स्ट लेवल टूटेगा तो फिर उससे नेक्स्ट लेवल की, ठीक है। ज़बरदस्ती की ट्रेड नहीं करना। अगर मार्केट इसी के बीच में रहे, इस रेड कैंडल के बीच में रहे, यानी 51,700 और 52,000 के बीच में रहे, तो हमें कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करनी कल की एक्सपायरी में। इस चीज़ को खासा ध्यान रखना है हमें, ताकि कोई गलती नहीं, ठीक है। ब्रेकआउट ही कर चुका है जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, आज उसका रीटेस्टिंग भी होगी, ऊपर भी चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कप विथ स्मॉल हैंडल बना हुआ है, ब्रेकआउट हो जाएगा तो काफ़ी अच्छी जर्नी अपसाइड स्टार्ट कर सकता है बैंक निफ्टी, निफ्टी दोनों, ठीक है। आई होप ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई होगी। पसंद आए तो फिर लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।